कोरोना ने सेहत की चिंता बढ़ाई तो लोग खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए आयुर्वेद और ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने लगे। ऐसे में गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी की मांग बेहिसाब बढ़ी। पतंजलि स्टोर्स तक में टैबलेट आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 से 3 महीने में अश्वगंधा और गिलोय की डिमांड कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पतंजलि के ज्यादातर स्टोर्स जो कि राजधानी दिल्ली में है, यहाँ पर गिलोय और अश्वगंधा की टैबलेट का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब लोग साधारण चाय की जगह काढ़ा या फिर तुलसी अदरक की चाय पीना पसंद कर रहे हैं। वहीं इम्यूनिटी बूस्टर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, अदरक, हल्दी से बने प्रोडक्ट्स की मांग विदेशों में भी खूब बढ़ गई है। छोटे देश जैसे साइप्रस हो गया, बल्गेरिया, मोल्दोवा, कैनेडा, US, ऑफ कोर्स ये मेजर कंट्रीज हैं, मॉरिशियस, साइशेल्स, हांगकांग, इन कंट्रीज से भी बहुत ही ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है। इन एडिशन टू ऑफ़ कोर्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सो दीज आर द पोलैंड, चेक रिपब्लिक, दीज आर द कंट्रीज वेयर दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड रेगुलरली। और डिमांड का जहाँ तक आपका प्रश्न है, इंडिया में ही दुगनी से तिगनी इसकी डिमांड हुई है। कोरोना का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा है, इसलिए एहतियात के तौर पर लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसे में पुरानी जड़ी बूटी काफी कारगर है। अब आयुष मंत्रालय भी तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा को इम्यूनिटी बूस्टर बता चुका है, इसलिए लोग एलोपैथिक दवाओं की जगह आयुर्वेद को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली।